सभी को नमस्ते, सभी का स्वागत है। नमस्ते गोपाल भैया। नमस्ते दीदी। तो एक बार मैं कंटेंट को ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या प्रक्रिया से हम लोग बात कर रहे हैं, फिर आप लोग का जो कल से आज तक जो ध्यान देने का प्रक्रिया में आप लोग बढ़े हैं उस पर आप लोग के हम लोग शेयरिंग भी लेंगे, और मेरी जितनी समझ बनी है उसमें मैं जो सहायता कर सकता हूँ उसमें मैं सहायता भी करूँगा। तो बहुत शॉर्ट में रख देता हूँ, बार बार हम लोग इस बात को रख ही रहे, तो जस्ट कंटेंट से इसलिए स्टार्ट कर देता हूँ कि हम लोग का एक सीक्वेंस क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बात को हम लोग बहुत बार कर चुके हैं कि हम लोग निरंतर प्रगति पूर्वक जीना चाहते हैं, और ये हमको ठीक से अपने में देखना भी है कि हमारी चाहना भी हमको क्लियर हो गई है कि नहीं। तो अगर निरंतर प्रगति पूर्वक जीना चाहते हैं, ये चाहना अपनी है, तो उसके लिए हम लोग एक ही अभ्यास के तौर पर अभ्यास वन अभ्यास टू ना करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनफैक्ट अगर हम अपनी छोटी से छोटी एक्टिविटी भी देखें तो उसके पीछे भी जो आधार है वो तो अपनी तृप्ति ही है, और इसी के लिए हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो इस अभ्यास को देखेंगे तो हम लोग स्वयं को विकसित करने का अभ्यास कर रहे हैं, स्वयं में का डेवलप करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो डेवलप करने का आशय यह है कि हम निरंतर तृप्ति पूर्वक जी सके। इस दृष्टि से दो मुख्य बातें हैं, अपनी समझ को बढ़ाने का काम की बात कर रहे हैं, और जितनी जितनी स्पष्टता अपने में होगी उतने हमें हमारे विचार इच्छा आशा को सही के अर्थ में, श्रेष्ठता के अर्थ में लाने का प्रयास कर रहे हैं, व्यवस्था के अर्थ में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो अन्यथा संस्कार है इस अभ्यास में हम देख पा रहे हैं, जो अन्यथा संस्कार है उनको हम प्यूरिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर एक सिंपल सा हम लोग अपने से प्रश्न पूछें कि मेरे इच्छा विचार आशा जो है व्यवस्था के अर्थ में हो जाए, तो इसमें क्या ऑब्स्टिकल हमको दिखता है? तो एक मुख्यता ऑब्स्टिकल तो हमको अपने संस्कार ही दिखते हैं, अपने लिए तो मैं ये देख पाता हूँ। तो इस पूरे प्रोसेस में हम लोग सही को समझने का भी प्रयास कर रहे हैं, समझ के आधार पर भाव विचार को इंश्योर करने का प्रयास कर रहे हैं, परस्परता में हमारा व्यवहार कैसा होगा उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, और ये करते हुए हमारे में जो अन्यथा संस्कार बन गए हैं ना उनको देखना, उनको प्यूरिफाई करना, ये काम भी हम लोग कर रहे हैं। तो समझने को हम लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि अपने एक्सपेंशन को देखेंगे, फैलाव को देखेंगे, तो स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक है। तो समझना है तो स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक को समझना है, फिर उसके अर्थ में भाव और विचार। तो फिर ये कह रहे हैं कि सहअस्तित्व का भाव, सहअस्तित्व का विचार, व्यवस्था संबंध का भाव, व्यवस्था संबंध का विचार, ये परिमार्जन करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा करते हुए जितना जितना मेरे में भाव विचार ठीक होता जाता है, व्यवस्था के अर्थ में होता जाता है, सहअस्तित्व के अर्थ में होता जाता है, संबंध के अर्थ में होता जाता है, उतना उतना मेरा परस्परता में व्यवहार, कार्य व्यवस्था में भागीदारी ये सही होने लगता है, ये उसका एक नेचुरल आउटकम आता है। तो मेन बात तो हम ये कह रहे हैं कि समझना, समझने के अर्थ में भाव विचार रखना, और इस प्रोसेस में जो अन्यथा है उनका मूल्यांकन करना, सही से उनको प्यूरिफाई करना। जैसे जैसे ये दो स्टेप्स होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जीना परस्परता में सहअस्तित्व के अर्थ में होता जाएगा। तो इस निरंतर पूर्वक तृप्ति को पूर्वक जीने के लिए हम इस पूरे अभ्यास को कर रहे हैं, इसी तहत हम लोग अभ्यास वन और अभ्यास टू के रूप में कर रहे हैं। तो अभी हम लोग अभ्यास वन पर बात कर रहे हैं, तो इस बात को हम लोग ने अभी रखा ही था और पिछले समय से रखते आ रहे हैं कि अगर हमको अभ्यास करना है तो हमको ये क्लियर होना पड़ेगा कि किस बात को हमको समझना है। तो समझने के अर्थ में फिर हमको देखना भी है, देखने के अर्थ में ध्यान देना है। तो ध्यान देने की जब हम बात कर रहे हैं, समझने की जब हम बात कर रहे हैं, तो पूरे अस्तित्व तक ही हमारा ध्यान जाना है अल्टीमेटली, क्योंकि हमारा जो जीने का एक्सपेंशन है वो पूरे अस्तित्व तक ही है। और इस अस्तित्व में देखेंगे तो मूल वस्तु का अगर देखेंगे तो चैतन्य इकाई दिखती है, जड़ इकाई दिखती है, और सहअस्तित्व दिखता है शून्य के संपर्कता में। तो ये तीनों ही बातें मूलतः समझने की है ना। और इस पूरे अभ्यास में हम लोग धीरे धीरे
इन तीन बातों पर अनफोल्ड करेंगे, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अभी अभ्यास एक में देखेंगे तो हम चैतन्य को समझने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखेंगे इन तीन वास्तविकताओं में तो जो जानने का पोटेंशियल है वो मेरे में ही है, चैतन्य का ही नहीं है। समझना भी मैं ही चाहता हूँ, जबकि पूर्वक मैं ही जीना चाहता हूँ। तो इसलिए इस अभ्यास के सीक्वेंस में देखेंगे तो अपने ऊपर ध्यान देने से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, फिर जड़ पर ध्यान देंगे, तो उदाहरण के लिए शरीर पर भी ध्यान देंगे हम लोग, फिर परस्परता में सह अस्तित्व में जो बना हुआ है उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो इतना हम लोग ध्यान देने का काम कर रहे हैं। और ये बात भी हम लोग कई बार बात कर रहे हैं और कर भी चुके हैं, और मुझे लगता है हम सबको स्पष्ट भी है कि देखने का जो काम कर रहा है वो तो चैतन्य कर रहा है ना, देखने वाला मैं ही हूँ। आंखों का यूज अपने को देखने में तो एटलीस्ट नहीं है, जब मैं बाहर कुछ देखने का काम करता हूँ, बाहर एक्सप्रेस होने का काम करता हूँ, तो शरीर को एज ए माध्यम यूज कर लेता हूँ, वो भी जब आवश्यकता पड़ती है तो हम यूज करते हैं, आवश्यकता नहीं पड़ती है तो हम उसको भी यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब अपने को देखने की बात हो रही है, अपने को समझने की बात हो रही है, तो उसमें तो है ना थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये दिखता है कि हमें शरीर का आवश्यकता तो नहीं है। तो अपने को डायरेक्टली देखने का पोटेंशियल मेरे में है, तो उस पोटेंशियल के थ्रू हम लोग अपने को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी देखेंगे तो हम लोग अपनी पूरी शक्तियों को बाहर की ओर लगाए हुए या लगाए थे। अभी धीरे धीरे हम लोग इस बात का अभ्यास कर रहे हैं कि अपनी जो शक्ति है जीवन की उसको अंदर की ओर लगाना है। अंदर एक बार चीजें ठीक हो जाएंगी, हारमोनी में हो जाएंगी, व्यवस्था स्वास्थ्य के अपने हो जाएंगी, संबंध के अपने हो जाएंगी, फिर अपनी जीवन की शक्तियों को आवश्यकता अनुसार बाहर भी लगाएंगे। और एक बार अंदर ये ठीक हो जाए तो बाहर ज्यादा सही से सटीक तरीके से हम इंटरेक्शन भी कर पाएंगे, ऐसा तो मैं देख पाता हूँ। तो इस पूरे अभ्यास का सिर्फ इतना ही नहीं इंप्रेशन जाए कि हमको सिर्फ अंदर ही काम करना है, तो एक बार अंदर काम करना है और ये ठीक से हमारा ध्यान लगे, अवेयरनेस पढ़ने लगे, मेरे में क्या चल रहा है उसके प्रति हमारी अवेयरनेस आ जाए और उसको हम व्यवस्था संबंध और स्वास्थ्य के अर्थ में हो जाए, इसके साथ फिर हम बाहर जब अपने को इन्वेस्ट करेंगे शरीर के साथ तो ज्यादा मीनिंगफुल करेंगे, भागीदारी के साथ कर पाएंगे। तो ये जीवन शक्तियों का जो ये अंतः नियोजन है या प्रत्यावर्तन है के अर्थ में जो हम अभ्यास एक कर रहे हैं, वन स्टेप्स में कर रहे हैं, है ना। तो इसमें बस ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी एक अभ्यास है, यही एक अभ्यास नहीं है। तो ये 7 स्टेप्स है ना, काफी लोगों के साथ अभ्यास करके निकला है, तो ऐसा लगता है, मैं अपने लिए तो देख ही पाता हूँ कि ये 7 स्टेप्स को जब मैं करता हूँ तो अपने में काफी ऑब्जर्वेशन शार्प होता है। और मुझे ऐसा लगता है हमें से बहुत सारे लोगों के लिए भी स्टेप्स काम ही कर रही हैं या करेंगे धीरे धीरे। तो ये भी एक अभ्यास है, यही एक अभ्यास नहीं है। तो इस अभ्यास से भी हम अपनी शक्तियों का न, सही से नियोजन भी कर सकते हैं अंदर की तरफ भी, और आवश्यकता पड़ने पर बाहर परस्परता में भी ठीक से व्यक्त हो सकते हैं। तो इतने बैकग्राउंड के साथ हम लोग अभ्यास एक स्टार्ट कर रहे हैं। अभ्यास एक में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि चैतन्य में चैतन्य को देखने का पोटेंशियल है, इसीलिए हमारे लिए पॉसिबल भी है कि सीधे सीधे मैं अपने को देख सकता हूँ, अपने में होने वाली क्रियाओं को देख सकता हूँ, है ना। और अल्टीमेटली मैं ही देख रहा हूँ, बाहर भी मैं ही देख रहा हूँ, अंदर भी मैं देख सकता हूँ, और अंदर को देखते हुए भी मैं बाहर इंटरेक्शन कर सकूँ, इस सब की पॉसिबिलिटी मेरे में बनी हुई है। तो इसलिए इस बात को बार बार हम लोग कह रहे हैं कि क्योंकि देखना मुझे है, और अभी स्पेशली स्टेप 1 में तो अपने को ही मैं देख रहा हूँ, तो हम शरीर से बहुत काम नहीं ले रहे हैं, आंखों का तो यूज नहीं कर रहे हैं, कान का यूज नहीं कर रहे हैं, तो सीधे सीधे अपने को अगर देखना है तो शरीर को हम लोग एक रेस्ट पोजीशन पर रख सकते हैं, जिस भी अवस्था में आपको लगता है कि कंफर्टेबल रहता है आपको शरीर रख सकते हैं। देखते देखते अगर आपको लगता है बॉडी का पोस्चर चेंज करना है तो उसको भी कर सकते हैं, उस पर भी कोई जिद पकड़ने की जरूरत नहीं है कि हमको पोस्चर नहीं चेंज करना है, क्योंकि अल्टीमेटली देखना मुझे अपने में है।
तो आंखों को बिल्कुल आराम पर रखें, शरीर को बिल्कुल आराम पर रखें। इसमें मैं इतनी बात पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हम जब देखना बोलते हैं तो इमीडिएटली हमारा आंखों पर ध्यान चला जाता है, हमको लगता है कि चीजें आंखों से ही दिखती हैं। तो इस पर मैं बार बार ध्यान दिलाता हूँ कि जब भी आप अपने में ये निर्णय लेते हैं कि मुझे स्वयं को देखना है, तो इस बात को ध्यान दें कि किसी इंद्रिय पर, शरीर पर आप जोर तो नहीं डाल रहे, क्योंकि देखना स्वयं में, तो स्वयं में तो मैं सीधे देख ही सकता हूँ। तो आंखों को तो बोल हम लोग रेस्ट पे ही रखें और ये देखते भी रहें कि आंखों पे जोर तो नहीं पड़ रहा है, ब्रेन पे जोर तो नहीं पड़ रहा है। तो अगर पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं हम संवेदनाओं को फिर हम यूज करने लगे, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये काम कर रहा है कि देखने के लिए तो आंखें ही यूज होंगी। तो उतनी सावधानी रखने की मुझे लगता है जरूरत है। और स्वयं को मैं जब देख रहा हूँ, स्वयं के प्रति अवेयरनेस के लिए काम कर रहा हूँ, तो इस पर हम लोग बात कर रहे हैं बार बार कि कोई मूल्यांकन अभी नहीं करना है, वो आगे वाले स्टेप्स में हम लोग करेंगे, लेकिन ये स्टेप वन जो है ये मुझे बुरा लगता है। अब मुझे लगता है स्टेप वन अगर हम इतना काम किए बिना कर पाते हैं कि बिना मूल्यांकन किए, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना उसको रोके, बिना बदलने का प्रयास किए, है ना, इतना हम उसको इंटरप्ट किए बिना अगर एज इट इज देख पाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा हमारा जो इंटरनल संस्कार है, बहुत सारा जो अंदर अभी हम सप्रेस करके रखते हैं चीजों को, उसको आने भी नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे वो चीजें आती हैं बाहर, है ना। और जब आएंगी तो आपको दिखाई देंगी, जब दिखाई देंगी तो नेक्स्ट स्टेप पर हम ये सब काम करेंगे, लेकिन अभी तो महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको आने दिया जाए, है ना। तो अभी तक का हम लोग का जो अभ्यास रहता है वो कई बार सप्रेस करने का, डाइवर्जन का, या दुख से भागने का, इस तरह का प्रयास भी हम करने लगते हैं। तो देख जब रहे हैं तो उसको आने देना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और जो आएगा फिर हम उसको और भी देखेंगे। तो ये मुझे अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण लगा था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फोकस करके आपके सामने रख रहा हूँ। तो जो भी आ रहा है उसको आने दिया जाए, कंफर्टेबल है अनकंफर्टेबल है दोनों को स्वीकारा जाए। और कई बार ऐसा भी मैं देख पाता हूँ कि जब चीजें संस्कार बाहर निकलते हैं, है ना, तो हमारे इवन हमारे व्यवहार में भी काफी चेंज दिखता है टेम्परेरी, उसको भी स्वीकारा जाए क्योंकि कुछ बाहर आ रहा है ना। तो अब प्रक्रिया को हमने स्टार्ट किया तो कंफर्टेबल विचार भी बाहर आएंगे, अनकंफर्टेबल विचार भी आएंगे, ऐसे संस्कार भी आएंगे जो बहुत समय से अंदर थे लेकिन हम इंगेज थे तो हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, अब ध्यान दे रहे हैं तो उनके आने का समय हो रहा है तो उनको आने दिया जाए। तो ये सब चीजें होती रहेंगी ना, तो उसमें इतना ही ध्यान देने की बात है। कुछ अच्छा आ रहा है तो भी हम खुश ना हो जाए कि आज का दिन तो मेरा बहुत ही अच्छा गया है, कुछ असहज चीजें उभर के आ गई हैं इच्छा विचार आशा से, संस्कार से, उसमें भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आज के दिन ये क्या हो गया है। इस पूरी प्रक्रिया में मैं ये देख पाता हूँ, ये प्रक्रिया का एक भाग है ना। तो कई बार ऐसे संस्कार बाहर आते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं, कई बार ऐसे संस्कार आ जाते हैं जो समय काफी समय तक भी बने रहते हैं, जो अनकंफर्टेबल करते हैं। तो इन दोनों को ही चलने दिया जाए बिना प्रतिक्रिया किए, बिना मूल्यांकन किए, बिना उसको रोके, इतना अगर हम करने देंगे तो कम से कम वो बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे तो हम लोग तो ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, फिर उसको और ऑब्जर्व करेंगे, तो अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे जब वो बाहर निकल रहे हैं तो हमको और क्या क्या करना है। इतनी बात का अगर हम ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है ये जो प्रक्रिया हम स्टार्ट कर रहे हैं ये एक का हमको कुछ सही फल मिल पाएगा, है ना, क्योंकि सही फल सही प्रक्रिया से ही मिलेगा। तो प्रक्रिया को हम सही होने दें, पूरा होने दें, ये एक महत्वपूर्ण बात मुझे अपने लिए लगती है। तो इस बात को भी हम लोग पहले बोल चुके हैं लेकिन मैं ब्रीफली रख देता हूँ जिससे हम सबका ध्यान चला जाए कि अभी हम कल्पनाशीलता में देख रहे हैं, तो जो भी दिख रहा है, अगर विचार दिख रहा है तो विचार दिख लीजिए, इच्छा दिख रहा है तो इच्छा दिख लीजिए, आशा दिख रही है तो आशा दिख लीजिए, उसको बहुत अभी टेक्निकली, है ना, इस पे करने की जरूरत नहीं है कि डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है ये क्या है वो क्या है, अभी देखने वाला काम इम्पोर्टेंट है। तो जो भी दिख रहा है उसको देखते रहिए, तो जैसे जैसे हमारी सूक्ष्मता बढ़ेगी वैसे वैसे हम
इन सारी क्रियाओं को भी देख भी पाएंगे और अपने शब्दों में बता भी पाएंगे। तो अभी तो वो जो अपने में संस्कारों का जो क्लाउड जैसा बन गया है, अभी तो उसका सफाया करना जरूरी है। तो जैसे जैसे उसका सफाया होगा, वैसे वैसे हमारी देखने की पात्रता भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे हम सही के अर्थ में चीजों को लेकर आएंगे तो हमारा विश्वास भी बनेगा कि हमारे सुख की निरंतरता की होने की भी संभावना है। तो इतना करते हुए हम लोग इस अभ्यास को कर रहे हैं, और इस पर भी हम लोग ने बात की है कि अभ्यास को जब कर रहे हैं तो ये बहुत सरल है। सरल इस अर्थ में है कि हमको कुछ चलाना नहीं है, कल्पनाशीलता ऑलरेडी चल रही है, और उस कल्पनाशीलता को देखने का क्षमता भी हमें स्वाभाविक रूप से ही है। तो बस हमको निर्णय लेना है और देखना है, इतना हमारे लिए करने का काम मुझे दिखता है ना। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मेरा सुख दुख जो है मेरी कल्पनाशीलता में ही कुछ चल रहा है, उसी से ही हो रहा है। तो मेरे विचार भाव पे जो चल रहा है उसी से ही मेरा सुख दुख तय हो रहा है। तो इसीलिए कल्पनाशीलता को देखना एक महत्वपूर्ण बिंदु बन ही जाता है। तो हमको ये दिख जाए कि महत्वपूर्ण बात है कि मेरा सुख दुख मेरे भाव विचार पर है, तो एक बार ये दिख जाए कि महत्वपूर्ण बात है तो हम जिसको महत्वपूर्ण मानते हैं उस पर तो ध्यान जाते ही है। अगर हमने ये महत्वपूर्ण मान रखा है कि मेरा भाव विचार बाकियों के व्यवहार से है, तो हम उनको ध्यान देना शुरू करते हैं, उनमें कुछ करेक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमको ये दिख जाए कि मेरा भाव विचार मेरे में है, मेरी कल्पनाशीलता में निर्णयों से तय हो रहा है, तो फिर हम अपने ऊपर काम करेंगे। तो अपनी शक्तियों को परिमार्जन के लिए लगाएं, तो जब स्वास्थ्य व्यवस्था संबंध के अर्थ में चीजों को देखेंगे तो प्योरिफिकेशन भी होगा और सही का जो समझ बनेगी उसका परिमार्जन भी होगा, दोनों काम साथ साथ चलना शुरू होंगे। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है और ये सरल भी है। तो अपनी कल्पनाशीलता को ध्यान जब दे रहे हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कल्पनाशीलता बाहर चली जाती है ना। कल्पनाशीलता में देखने की बजाय हम बाहर देखने लगते हैं, ध्यान बाहर चला जाता है। काफी देर बाद हमको ध्यान आता है कि हम तो अंदर देखना था। तो ये जो शिफ्टिंग बार बार होती है, इस पर भी कोई प्रतिक्रिया मुझे लगता है उसकी आवश्यकता नहीं है। तो बाहर ध्यान चला गया है तो उसको भी स्वाभाविक रूप से अपने में निर्णय बनाए रखें कि ध्यान तो मुझे अपने में ही देना है। अगर ये निर्णय बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अपने में ध्यान शिफ्ट होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी। लेकिन बाहर जाता है उस, आप रिएक्शन करते हैं कि बाहर क्यों चला गया, तो जैसे ही ये रिएक्शन करते हैं तो अपने में जो रिएक्टिव संस्कार हैं वो सब हिलने लगते हैं है ना, फिर उनका प्रभाव चलने लगता है। तो इसलिए उसमें रिएक्शन की आवश्यकता नहीं है इस पूरी प्रक्रिया में है ना, क्योंकि हमारा एक अभ्यास रहा है बाहर चीजों को देखने का। तब हमारा अभ्यास अंदर देखने का है, इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो उस प्रयास में ट्रांजिशन पीरियड बना रहता है। कई बार ध्यान बाहर जाता है फिर हमको दिखता है कि नहीं हमको अंदर आना है, तो वो स्वाभाविक रूप से नेचुरल तरीके से हम निर्णय को बनाए रखते हैं तो हमारा ध्यान अंदर आने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो इसको भी हम लोग ने बात को रखा है कि हम लोग जो देख रहे हैं सीधे सीधे देख रहे हैं, संवेदना के माध्यम से नहीं देख रहे हैं, लेकिन जैसा अभी मैंने कहा कि देखने का काम भी हम संवेदनाओं से ही करते हैं, कहीं ना कहीं ये भी बैकग्राउंड में बना रहता है अपने मानस में। तो धीरे धीरे उसको भी हमको इवेल्युएट करना है और बार बार अपने को ये देखना है कि हम संवेदनाओं के माध्यम से तो चैतन्य इकाई को देखने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम संवेदनाओं के माध्यम से चैतन्य इकाई को देखने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कहें कि संवेदनाओं के डोमेन से चैतन्य इकाई को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से फिर हमारा ध्यान उसके आकार रूप रंग ये सब पर प्रश्न बनने लगेंगे। तो हमको इस बात की भी क्लैरिटी रहे कि चैतन्य इकाई को जब देखना है तो संवेदना के माध्यम से है ना कि रेंज में वो नहीं है, तो हमको अपने जो पोटेंशियल है देखने का सीधे सीधे उसको तक पहुंचना है, उसके थ्रू हमको अपनी कल्पनाशीलता को देखना है। तो फिर कल्पनाशीलता में चलने वाली क्रियाएं, हमारा उसमें चलने वाला कंटेंट, ये सब धीरे धीरे हमको दिखने लगेगा।
तो सीधे सीधे कल्पनाशीलता को ही देखना है, यही एक महत्वपूर्ण बात है। इसका अगर हम निर्णय बनाए रखें तो बार बार हमारा ध्यान नेचुरली कल्पनाशीलता की ओर लौटने लगता है, और जब भी कल्पनाशीलता की ओर लौटने लगता है तो हम उसको देख भी पाते हैं कि देखो अभी हमारा ध्यान बाहर था, अब आ गया है। तो ये जितना हम सहज रूप से निर्णय बनाए रखेंगे उतना ही शिफ्टिंग ये बार बार अंदर की तरफ आती रहेगी, और उस शिफ्टिंग में आपका रिएक्शन भी नहीं आएगा। तो रिएक्शन नहीं आएगा तो बाकी जो रिएक्टिव संस्कार है हम उनको छेड़ेंगे भी नहीं, ध्यान चला जाएगा कल्पनाशीलता में, और फिर धीरे धीरे उसको आगे चलते एवेल्युएट करेंगे, है ना। और हम लोग जब इस प्रक्रिया को कर रहे हैं हम लोग ये देख पा रहे हैं कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि भाव नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसमें मैं यही कहूंगा कि सूक्ष्मता की बात वो है ना। तो पहले तो हमको बाहर चीजें दिखती थी, शरीर दिखता था, अब हमारी सूक्ष्मता बढ़ रही है तो हम अपने में भी देख पा रहे हैं, भले थोड़ी देर के लिए देख पाते हैं, और सूक्ष्मता बढ़ेगी तो विचार के पीछे के भाव को भी देख पाएंगे, और सूक्ष्मता बढ़ेगी देखते देखते तो विचार तो इसके पीछे स्वभाव, ये सब का स्कोप है देखने का। लेकिन उसके लिए जितनी सूक्ष्मता बढ़ेगी उतना हम देख पाएंगे। तो बात सूक्ष्मता बढ़ाने की है, ध्यान देने की है, तो जैसे जैसे हम देख पाएंगे उसको हम कर पाएंगे। इतनी बात हमने अभी तक की है ना। यहाँ तक अब आपने जो अभ्यास किया है उसमें जो आपके प्रश्न बन रहे हैं उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर हम सब लोग मिलकर डिस्कस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो ध्यान हमारा भी जाएगा, आपका भी जाएगा। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। मुझे यूएचवी सेल का कन्वेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो मतलब अपनी तरफ से मैं क्या एफर्ट लूँ? एज अ कन्वेनर मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी अलग से उनके मार्गदर्शन में और कुछ करूँ। तो मुझे लगता है कि आपसे कुछ सुन पाऊँ कि किस तरह से एफर्ट्स लिए जाए कि लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करे। और जी इस पर तुम लोग दीदी कभी बात कर लेंगे आराम से, है जी भैया ना चलेगा। जी। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, उसमें मैं ध्यान दिला देता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम स्थिर हैं जब हम ये सब फैला रहे हैं, है ना। अगर हमें जी भैया मैं स्थिरता सुन नहीं पाई, क्या में, हाँ मतलब? जी मैं ये कह रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाँ हम जब एज ए कन्वीनर या एज ए मेंबर, है ना, काम कर रहे हैं वैल्यूज पर, हाँ तो हमारा अपने में स्थिरता और परस्परता में व्यवहार, ये लोग इन्हीं चीजों से लोग हमसे जुड़ते हैं। अगर ये दो जी चीजें भैया मिसिंग है या अभी उसमें उतना स्थिरता नहीं है तो सिस्टम हमको जी अगर बहुत सारा सहयोग भी कर दे तो भी लोगों का जुड़ना उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। जी तो अल्टीमेटली जो लोग हमसे जुड़ेंगे वो हमारी स्थिरता से और हमारे परस्परता में जो व्यवहार है ना, और हमारा जी जो वैल्यूज के प्रति डिटर्मिनेशन है वो जब अनवेवरिंग जी होता है तो लोग हमसे जुड़ने लगते हैं। जी और अगर ये नहीं दिखता है तो बहुत सारे लोग फिर, है ना, आप में ये देखना चाहते हैं कि जब हम वैल्यूज पर काम कर रहे हैं, वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो जी लोग ये देखना चाहते हैं कि आप में भी स्थिरता होनी चाहिए, है ना, हमारे काम में भी डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं काम को तो उसमें संबंध को बनाए रखते हुए कर रहे हैं या एक्सपेंड होना है, इसको प्रायोरिटी पे ले आए। जी तो मुझे लगता है कि ये कुछ मूल बातें हैं जिस पर हम लोग अच्छे से काम भी कर लें और साथ में जो एक्सटेंशन वाला काम है कॉलेज में वो भी होने लगे जी तो लोग जुड़ने लगते हैं। जी भैया जी तो मेन तो इस सट्टा वाला काम है, फिर बाकी जो एक्सटेंशन वाले काम पर हम लोग कभी डिटेल से बात कर लेंगे जी। जी भैया बहुत बहुत शुक्रिया। जी ठीक है, गोपाल जी नमस्कार। नमस्ते भैया। पहले तो मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। सच में जिस तरह से आप UHB की विषय वस्तु हमारे सामने रख रहे हैं, हमें उसको जीवन में लाने की प्रेरणा बेहतर बन रही है। तो एक तो ये हमारी स्थिति है जो मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ और आपके प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। प्रश्न मेरा जी यह है कि विषय वस्तु में आपने ये बताया है कि जब हम खुद को देखते हैं तो वस्तुतः उसमें शरीर की जरूरत नहीं है, और हमारे जी आंख, हाथ,
और ब्रेन शरीर का हिस्सा है, तो इस बात की तो अस्तित्व अस्वस्थ बन गई है कि जब हम खुद को देखते हैं तो हमें आँख की भी जरूरत नहीं है और कानों की भी जरूरत नहीं है और शरीर के दूसरे अंगों की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें ब्रेन की तो जरूरत पड़ती है। और कभी कभी ये लगता है कि मैं ही ब्रेन हूँ, मतलब जो देखने का काम कर रहा है वो ब्रेन ही कर रहा है, और हमें ब्रेन इस बात की सूचना तो है कि सेल्फ और ब्रेन अलग अलग है। ब्रेन मटेरियल यूनिट है और सेल्फ कॉन्शियस यूनिट है, लेकिन हमें जो विषय वस्तु तो आप रख रहे हैं उसकी सूचना तो आ रही है लेकिन वो अस्वस्थ ही नहीं बन पा रही। हम ब्रेन और सेल्फ को अलग अलग देख नहीं पा रहे हैं, अब वो भाव नहीं बन रहा है, सूचना तो है लेकिन अस्वस्थ नहीं बन पा रही, क्योंकि हम जब भी देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ब्रेन और सेल्फ वो अलग इकाई नहीं है, वो एक ही इकाई है, या वो इतने घुले मिले आपस में कि वो एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। ब्रेन का अस्तित्व है इसलिए सेल्फ का अस्तित्व है, सेल्फ है इसलिए ब्रेन है, वो एक ही चीज है, या फिर कहें एक ही सिक्के के दो पहलू है, दे आर नॉट डिफरेंट टू थिंग्स। प्लीज तो अभी देखेंगे तो बहुत सारे से लोगों ने कहने की कोशिश की है, उसमें एक लाइन लोगों ने ये भी लिया है कई लोगों ने कि ब्रेन और सेल्फ एक ही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक है कि दो है, इसको हम अगर अपने में ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें तो धीरे धीरे इसको देख सकते हैं। तो जैसे आप इस बात का अभ्यास करिए कि हर समय आप ब्रेन को इन्वॉल्व किए रहते हैं या जब आवश्यकता होती है तभी इन्वॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग को थोड़ा और अभ्यास करने की जरूरत है कि ब्रेन है और इसीलिए सेल्फ है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, या दो सिक्के हैं और आपस में सहअस्तित्व पूर्वक है ना, ब्रेन भी है शरीर भी है उसके साथ, मैं भी हूँ और दोनों सहअस्तित्व हैं, मुझे जब आवश्यकता पड़ती है तब मैं शरीर को यूज करता हूँ या शरीर यूज ही होता रहता है, ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ना। तो जैसे कि अभी आप अपने से पूछिए अगर कि मेरे अंदर है ना, मेरे परिवार के लिए विश्वास का भाव है कि अविश्वास का भाव है, ये आंसर आपको सीधे सीधे मिलता है या इसमें शरीर का ब्रेन का यूज करने के बाद आपको आंसर मिलता है। तो ये हाँ छोटे छोटे जो प्रस्ताव दिए गए हैं लेवल 1 में है ना, उसको हम लोग अभ्यास करके देख सकते हैं। गोपाल भैया, मैं थोड़ा और जोड़ना चाहूंगा यहीं पे। जब भाव की जी बात आती है तो ब्रेन नहीं दिखता है, लेकिन जब ऑब्जर्वेशन की बात आती है तब तब ब्रेन ही ब्रेन होता है। हाँ, हाँ, अभी मैंने ये आपने बात देख सही ली अभी, जब एक्सप्लेन भाव की किया। बात आती है तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ नहीं है, मतलब सेल्फ ही है जी जिसमें 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 हार्मनी है। और जी लेकिन जब 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 ऑब्जर्वेशन की बात आती है तो ऐसा लगता है कि उसमें बॉडी प्रयोग हो रही है और उसमें फिर तो कभी भारीपन आ जाता है, अरुचि आ जाती है। जी ये अब आपने सही जगह आप आ गए, मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए, पहली बात तो आपने बिल्कुल ठीक की कि जब हम भाव के लेवल पर प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमको बिल्कुल क्लियर दिखता है, ये तो सीधे सीधे मेरे में हो रहा है और मैं देख के बता पाता हूँ ना, तो इतनी बात तो आपकी ठीक है। जब आप ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं तो ये स्लाइड में आप देखेंगे, इसी को हम लोग बार बार बताने की कोशिश कर रहे थे कि ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं तो जैसे हम बोलते हैं कि अपने में, जैसे ही हम बोलते हैं कि मैं ऑब्जर्व करूंगा, तो हमको ये देखना है कि हम इन संवेदनाओं का तो कहीं यूज नहीं करने लगे हैं। अगर करने लगे तो फिर शरीर में भारीपन लगे आपको, एक तो ये रीजन हो सकता है भारीपन का है ना, कि मैंने आंख बंद किया या आंख खुला था, मैंने कहा देखेंगे। जैसे मैं जब इस प्रोसेस से निकल रहा हूँ तो ये जो आपका प्रश्न बन रहा है ये मेरे भी प्रश्न था एक समय पर काफी, कि जैसे ही हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते थे तो ये भारीपन आता था। तो जब उसको और ध्यान पूर्वक अपने में देखना शुरू किया और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना शुरू किया कि जब देखना मुझे में है, चीजें मेरे में हो रही है, तो शरीर में भारीपन क्यों आ रहा है, तो मैं काफी समय ऑब्जर्व करने के बाद ये देख पाया कि जैसे ही मैं अपने से बोलता हूँ कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं देखूंगा, तो कहीं ना कहीं
एक पार्ट को मैं ये देख पाता था कि मैं आंखों पे जोर डालने लगता था। तो जब आंखों पे जोर डालने लगता था, अब आंखों का पूरा तो कनेक्शन जो है वो ब्रेन से संचालित ही है, शरीर के हर चीज का कनेक्शन। तो फिर वो आंखों पे जोर पड़ता था, धीरे धीरे ब्रेन पे जोर पड़ता था, वो भारीपन आता था। लेकिन उससे निकलने का मैंने फिर अपने लिए जो स्टेप लिया वो यही लिया कि जब मैं अपने से ये कहता हूँ कि मैं अपने को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो पहले मेरे आंखों को रिलैक्स करता हूँ कि मुझे आंखों का यूज नहीं करना है। इस सेंटेंस को भी मैं अपने से बोलता था कि मुझे आंखों का कोई यूज नहीं करना है, मुझे संवेदना का कोई यूज नहीं करना है, मैं बॉडी को लूज छोड़ देता हूँ, अब मैं आराम से अपने को देखता हूँ। तो जब मैं इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास कर रहा था इस पूरे प्रोसेस में, तब मुझे ये समझ में आने लगा कि हम बोलते तो हैं कि संवेदना का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अनकॉन्शियसली हमारा इतना गहरा अभ्यास है संवेदनाओं से चीजों को पकड़ने का कि वो यूज करने लगते हैं। तो इतना आप भी करके एक बार देखिए, जब आप अपने को ऑब्जर्व करते हैं तो अपने को ये भी बोलिए कि मुझे आंखों का यूज नहीं करना है, आंखों को रिलैक्स कर लेते हैं, शरीर का यूज नहीं करना, शरीर को रिलैक्स कर लेते हैं। एक ये बात है ना, जो जिससे हम भारीपन का जो इश्यू आता है। दूसरा जो इश्यू आता है भारीपन का, जो मैं अपने में देख पाया हूँ अभी तक, कि जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ऑब्जर्व करते समय विचार पे ऑब्जर्व करते हैं और विचारों में बहुत इंडल्ज होने लगते हैं, और जब बहुत इंडल्ज होने लगते हैं तो फिर ब्रेन पे जोर पड़ने लगता है। हम उसको एक्चुअल में ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं, उसमें बहुत इंडल्ज होने लगते हैं इंटरनली, भले हमको ऊपर से ना पता चला हो। और जैसे ही हम विचारों को फैलाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली पॉजिटिव करते हैं तो इतना पता नहीं चलता है, अगर अंधा वाले डायरेक्शन में करते हैं तो जब विचार फैलते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं ये निर्णय भी ले लेते हैं कि ब्रेन को भी यूज करना है, तो वो विचारों का जो फैलना है और ब्रेन का यूज होना है वो भी होने लगता है। और विचारों में अगर उस समय सही नहीं चल रहा है, सही के अपनी चीजें नहीं चल रही है, तो ब्रेन तो जड़ इकाई है, उतना सारा जो हम फैलाते हैं उसको वो उसकी लिमिट से बाहर होने लगता है थोड़ी देर बाद, तो भी उसमें शरीर में भारीपन होने लगता है। तो ये दो चीजें भैया मैं पूरे प्रोसेस में अपने लिए देख पाया था। जी भैया, आप ऑब्जर्वेशन के बारे में कह रहे हैं अभी, जो जी ऑब्जर्व केवल ऑब्जर्व भाव, जो आप भाव या कुछ उदाहरण के लिए, अगर मेरे में विरोध आ गया किसी के प्रति, जी तो उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो इसमें मेरा एक बेसिक प्रश्न बनता है कि क्या मैं उसे एक्सप्रेस नहीं करूं या करूं? ठीक है। तो मतलब आपका जो प्रश्न मैं सुन पाया हूँ ये है कि अगर मेरे में विरोध का भाव आया है तो मैं उसे एक्सप्रेस करूँ कि ना करूँ, सही है ऑब्जर्व ना करने भैया? का, ऑब्जर्व का मीनिंग वही है। ऑब्जर्व करने का तो मीनिंग ये है कि जो आ रहा है उसको आने दिया जाए, जी बस ये देखिए कि विरोध का भाव चल रहा है उसको चलने दिया जाए, ये ऑब्जर्व करने का मीनिंग है ना। उसको व्यक्त करना एक्सप्रेस नहीं। करना है, नहीं रुकिए रुकिए, एक्सप्रेस करना है कि नहीं करना है, देखिए उसमें जो एक फंडामेंटल बात है ना वो ये है कि मेरे में विरोध का भाव आ रहा है ना। अब आ रहा है यहाँ तक ठीक है, अब इससे मैं दुखी होना चाहता हूँ, हो गया हूँ, अब इस दुख से मैं मुक्ति चाहता हूँ, तो अब या तो मैं एक्सप्रेस करूंगा है ना, या फिर मैं रिजॉल्व करूंगा। अगर कुछ भी नहीं करूंगा, एक्सप्रेस भी नहीं करूंगा और मैं उसमें इंडल्ज भी होता जा रहा हूँ तो मेरा दुख बढ़ता जाता है। तो उसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सप्रेस भी आप कर देंगे तो भी उससे कोई रिजॉल्व हो गया ऐसा नहीं है। इतना ही हो सकता है कि आप में जो उसका आवेश बढ़ रहा था, आप में एक्सप्रेस होने के बाद उसका आवेश कम हो गया, लेकिन उससे आप मुक्त हो गए ऐसा नहीं है ना। और परस्परता में जो संबंध पर प्रभाव पड़ेगा वो तो पड़ ही रहा होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमको अपने से ये समझना है कि हमको सहज स्वीकार क्या है, इससे इसको रिजॉल्व करना या इसका इंटेंसिटी बार बार डाउन करके फिर आगे बढ़ जाना, फिर इंटेंसिटी बढ़ा देना फिर डाउन कर देना एक्सप्रेस करके, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर जब ऑब्जर्व करने की बात कर रहे हैं तो उसको रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं, है ना। तो जब रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं तो एक बार रिवॉल्व हो जाएगा फिर वो दोबारा आएगा नहीं, बनतेगा नहीं,
लेकिन चीजें कहीं ना कहीं जाकर भाव के लेवल पर रिजॉल्व नहीं होती है, वो उभर के विचार पे आती है ना। और विचार में भी हम जब देख रहे होते हैं कल्पनाशीलता में, तो उसको हम ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं और उसमें इंडल्ज होना चालू हो जाते हैं। जब आप इंडल्ज होना चालू हो जाएंगे, तब आप एक समय पर जाके विचारों में जब वो फैल जाता है इतना, तब आप हेल्पलेस फील करते हैं। फिर आपको लगता है एक्सप्रेस कर दो तो ज्यादा सही है, क्योंकि अगर हम उसको बिना प्रतिक्रिया दिए देख नहीं पा रहे हैं, और प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गई है, और स्टार्ट हो गई है तो उस विचारने लगते हैं, फिर पुरानी घटनाएं आने लगती हैं, उसको भी हम फैलाने लगते हैं, है ना। और जब एक समय पर जाकर ये बिल्कुल जैसे काले वाले बादल आते हैं ना पानी के, वैसे बिल्कुल जब हो जाता है, अब हम एक समय पर हेल्पलेस हो जाते हैं, हमको लगता है अब तो इसको निकाल दो। तो अगर ऐसा हो रहा है कि वो क्लाउड आपके पास आ गए है ना, पूरा कल्पनाशीलता ही क्लाउड डोमिनेट कर लिया विचारों में, तो फिर आपके मन में यही एक बात आ सकती है कहीं ना कहीं से, इसको तो एक्सप्रेस ही कर दो तो ज्यादा अच्छा। दूसरा तरीका ये है कि उसको आने दिया जाए और मैं इंडल्ज नहीं हो रहा है, इस बात को ध्यान दिया जाए। और जब ये संस्कार बाहर आएगा ना, तो आप उसको आने दीजिए, आपको लग रहा है मुझे रोना है तो आप रो लीजिए, आपको लग रहा है मेरे शरीर में वाइब्रेशन हो रहा है होने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, उसको अलाउ करिए, देखते हैं क्या होता है, और होने दीजिए। लेकिन अगर आप उसमें इफ बट लगा देंगे ना, फिर इसका मतलब आप उसमें रिएक्शन में आ गए, इसलिए ये मन में प्रश्न उत्तर बन जाता है। अभी जितना मुझे कहना, इस पर अगर आपका कोई फर्दर क्लेरिफिकेशन है चाहिए तो बताइए इस बात पर। हाँ जी भाई, जी भैया, जो रिजॉल्व होना हो तो आगे के स्टेप्स तो सही, तो मैं रिजॉल्व हो पाऊंगा। ऑब्जर्व जी करना जगह, अगर मैं उसको भाव को आने दूंगा जी तो सही भाव से मुझे इंश्योर करना पड़ेगा आगे के स्टेप्स में है जो। तो हाँ, वो आगे किस तरह। हाँ, तो रिजॉल्व तो मैं नहीं हो पाऊंगा ना, अगर इसी स्टेप में मैं उस भाव को पनपने दूंगा या आने दूंगा तो। जी, हाँ ठीक है, उसको हम लोग आगे के स्टेप में रिजॉल्व करने का प्रोसेस और देखेंगे अभी। लेकिन अभी तो महत्वपूर्ण बात ये, आने तो दे कम से कम, अभी आ रहा है और हम उसमें इंडल्ज हो जा रहे हैं, ये दो चीजें मिक्स हो जा रही हैं उसमें। तो इंडल्ज नहीं होना। जी, यही हम कह रहे हैं। तो अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे ना, कि बार बार जो इस पर ध्यान दिलाया जा रहा है कि बिना रैंकन किए, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना उसको रोके, बिना बदले, जैसा चल रहा है वैसा ही देखने का है, निर्णय बनाए रखना, वो कहीं ना कहीं हम उस पर प्रतिक्रिया करने लगते हैं, फिर हम उसका रीजन ढूंढने लगते हैं, फिर उसका दोषी कौन है ये ढूंढने लगते हैं, फिर बहुत सारे लोग के चेहरे ध्यान जाते हैं, ये सब जो चल जाता है ना, इसका मतलब हम उसमें इंडल्ज हो गए। तो इंडल्ज हो गए, अब आप स्टेप करने भी जाएंगे तो वो बहुत मतलब हो पाए इसकी संभावना मुझे कम होती है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप करने के लिए कम से कम पहले बिना रिएक्शन के उसको देख तो ले, तब तो उसके पीछे के फिर हम भाव को भी देख पाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर, फिर अपने से आगे के स्टेप पूछ पाएंगे। लेकिन अगर बीच में रिएक्शन दे दिया, तो हम आगे के स्टेप में जाएंगे भी तो बहुत सारा मुझे लगता है कम संभावना है कि उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। इसलिए 7 स्टेप में देखेंगे तो पहला स्टेप बहुत महत्वपूर्ण लगता है मुझको। जी भैया, जी भाई, मैं भी अभ्यास करूँ। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं, कई बैचेस से जुड़े हुए हैं, और आपको लगता है कि ना मैं इसको आने दूं और नेक्स्ट स्टेप भी कर सकता हूं, तो उसको प्रयास करिए, लेकिन कम से कम इतना तो इंश्योर करें कि उसमें इंडल ना हो। भैया, तो मेरा जो ये प्रश्न है, ये 2-3 दिनों से है मेरे अंदर, जी और कई बार होता है कि प्रश्न होते हैं और लेकिन बाकी सभी सहयोगियों के प्रश्न से उसका मुझे समाधान मिलता रहता है, और कई बारी अपने आप में देखने के साथ भी समाधान मिल जाता है। जैसे आप कहते हैं कि खुद स्वयं को देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए बिना जी प्रतिक्रिया जी के, तो कई बार मिल जाता है। लेकिन अभी जो इस बार मैं अपने में देख पाई कि सुबह के समय ही कुछ ऐसा हुआ कि किसी के प्रति मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि वो ये काम कर लेगा वो व्यक्ति, लेकिन कई दिन से ऐसा हो रहा था कि नहीं हो पा रहा था, तो वो मेरे से प्रतिक्रिया आ गई कि मतलब नहीं हो पा रहा है ये काम, और बार बार बताने के बावजूद। और फिर कई बार होता है कि जैसे हम बाहर की
बार की तरफ प्रतिक्रिया तो कर देते हैं, कई बार एक दो सेंटेंस में फिर उसे छोड़ देते हैं, और कई बार ज्यादा कर देते हैं। तो इस बार वो प्रतिक्रिया मैंने ज्यादा कर दी, तो मैं देखती हूँ कि जब मैं ज्यादा बाहर कर देती हूँ प्रतिक्रिया तो वो चलता रहता है फिर। अच्छा, उसमें भी क्या है कि पहले फिर वो विचार में भी वो प्रतिक्रिया होती रहती थी कि हाँ मैंने उससे कहा, उसने ये बोला, ये हुआ, वो हुआ, वो चलता रहता था। तो अब वो नहीं होता है, वो मुझे लगता है चूंकि अब उसको देख पाए हैं तो वो कुछ शायद सेटल हो गया है। अब पता नहीं, मतलब मेरा ये है गेस है, लेकिन इस बारी मैंने देखा कि विचार में तो फिर मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर बड़ी डिसहार्मनी वाली कंडीशन थी, असहजता थी। टाइम के साथ जा रही थी, लेकिन शाम तक, अगले दिन सुबह तक वो मैं अपने अंदर देख रही थी कि मतलब मैं नॉर्मल नहीं हूँ। ऑफिस जाके भी, आके भी, घर से काम करते हुए भी, तो मैं यही मुझे लगा कि विचार में तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये है असहजता। तो फिर मैंने ये निर्णय लिया कि ठीक है, अगर मैं इतनी असहजता की स्थिति में हूं तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, इस काम को उस दिन मैं खुद करती हूँ और सामने वाले को जी भी कह देती हूँ कि देखिए, आपसे ये चीज नहीं हो पा रही है तो मैं कुछ दिन करती हूँ, फिर जब भी कॉम्पिटेंस पूरी हो जाएगी तो फिर सामने वाला व्यक्ति भी मेरा फिर सहयोगी हो जाएगा। तो ये सोच के फिर अब वो काम मैंने खुद से ही करना शुरू कर लिया। लेकिन ये जी मैं जब सुन रही हूँ मॉर्निंग सेशन और फिर ये बात हो रही है कि देखिए अपने आप को बिना प्रतिक्रिया किए, तो मैं मुझे लग रहा है कि शायद मैं अपने आप को पूरा इसमें देख नहीं पाई और मैंने ये पूरी प्रतिक्रिया कर दी है कि मतलब इसको कैसे मैं सॉल्व करूं, मैं असहज हो रही हूँ। शाम तक, अगले दिन तक वो चल रहा है मेरे अंदर, तो अभी शायद और लंबा चलता, लेकिन उससे पहले ही मैंने ये निर्णय लिया कि इसका सलूशन ये होगा कि मैं इस काम को पूरा खुद से कर लेती हूँ। तो मतलब क्या स्थिति है ये मैं थोड़ा समझना चाह रही थी भैया। जी भैया, तो इसमें दो तीन मुख्य बातें हो गई हैं। तो मैं अपनी तरफ से दो तीन तरह से बात को रख देता हूँ, फिर अगर कम पड़ेगा तो आप बताइएगा। जी भैया, जी, तो एक तो देखिए, हम लोग जो शुरू से बात कर रहे हैं कि सुख मेरा स्वभाव है या दबाव प्रभाव है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। तो अगर सुख मेरा स्वभाव है और उस सुख की निरंतरता को इंश्योर करने का पोटेंशियल मेरे में है, वो स्वभाव मेरे में है, मैं उसको समझ सकता हूँ, उसके आधार पर इच्छा विचार आशा को ना, उसके अर्थ में इच्छा विचार आशा को कर सकता हूँ और अपने सुख की निरंतरता मैं स्वयं से कर सकता हूँ। इतनी बात पर अगर हमारा पहले ध्यान नहीं जाता है तो होता क्या है कि हम फिर बाहर से बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखे रहते हैं। तो बाहर से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, ये भी मुझे इतना बड़ा इशू नहीं लगता है। उससे बड़ा इशू ये लगता है कि एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं और मेरी एक्सपेक्टेशन को किसी को पूरा ही कर देना चाहिए, उसके साथ ये एक्सपेक्टेशन भी जोड़ लेते हैं। तो जब एक्सपेक्टेशन रखा है और उसको पूरा भी कर दे, ये भी एक्सपेक्टेशन है, तो फिर बहुत सारा है ना हमारा लिए वो कर नहीं पाता है, फिर हम परेशान होते हैं। तो उस समय हम इस तरह का ही फिर निर्णय कहीं ना कहीं लेने लगते हैं कि हम ही खुद कर लेते हैं, उनकी योग्यता तो कम है, कभी बढ़ेगी तो बढ़ेगी। तो इस में देखने वाली बात यह कि जब ये सब अपने में चल रहा है तो मेरे में रिएक्शन के तहत चल रहा है या इस अंडरस्टैंडिंग के तहत चल रहा है कि इनमें भी समझने का पोटेंशियल है, इनके भी अपने संस्कार है ना, और ये अपने भी सुख की निरंतरता कर सकते हैं। तो इनका पोटेंशियल खुद को देखने का भी है, खुद की योग्यता बढ़ाने का भी है, और उसमें मेरा जो सहयोग हो सकता है मैं कर दूंगा या कर दूंगी। इसके तहत हम अभी टेम्परेरी अपने हाथ में काम ले लिया है, या मेरे में मेरी एक्सपेक्टेशन को कोई पूरा नहीं कर पाया इसलिए बहुत सारा रिएक्शन आ गया। अब उस रिएक्शन के तहत मैंने ये निर्णय लिया कि मैं काम कर लेती हूँ अपना खुद ही, जब योग्यता बढ़ेगी तो। ये दो बातें अपने में देखना एक महत्वपूर्ण बात है। तो मुझे लगता है कि आप जो कह रही हैं वो दूसरा वाला केस ज्यादा है कि अपने में रिएक्शन होते हुए हम ये सब
सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो अगर ये वाला केस है और हमको दिख रहा है कि अभी भी मेरे में रिएक्शन बना हुआ है, फिर हमको अपने ऊपर अभी ध्यान शिफ्ट करने की आवश्यकता है। ये जो मेरे में अभी बना हुआ है, मेरे में ये जो चल रहा है, उसमें मैं चल रहा है एक पार्ट है, शुरू हो गया एक पार्ट है दूसरे के ट्रिगर से, लेकिन दूसरी बात ये है मैं उस पे प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया कर रही हूँ। ये वाले भाग को मैं थोड़ा सा भी संभाल सकता हूँ, तो किसी वजह से प्रतिक्रिया आ गई है और हम मॉर्निंग सेशन कर रहे हैं, तो हमको इस बात पे ध्यान जाता है कि भाई ये जो चल रहा है इसको देखना है। अब इस पे फर्दर प्रतिक्रिया तो कम से कम ना करें और उसको देखें, चलने देते उसको। इतना करके अगर हम प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया वाले पार्ट को संभाल ले अभी भी, तो उसका जो दुख एक्सपेंड हो रहा है वो उतना नहीं होगा। इतना अगर हम कर ले तो फिर हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप की बातें हैं फिर उस पर हम लोग करेंगे, उसको हम लोग करके देख सकते हैं। अगला स्टेप भाव के लिए जो 3 4 5 6 स्टेप है उसको हम लोग करके देख सकते हैं। तो अभी शॉर्ट में तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो हम लोग डे वन से जो बात की है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभी हम स्वयं सुखी होकर परस्परता में इंटरेक्शन करते हैं या परस्परता में इंटरेक्शन कर रहे हैं फिर वो मेरी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर दे, इससे हम सुखी होने का प्रयास करते हैं। तो इस बार ऐसा हो गया तो हो गया, अगली बार हम लोग ध्यान बना के रखते हैं कि मेरे में पोटेंशियल है अपने को देखने का, देखते हैं अपने भाव विचार को व्यवस्था के में करते हैं और फिर इंटरेक्शन शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है ये दो बातों को हम लोग अगर डिफरेंस करके रखते हैं तो काफी प्रतिक्रिया पर जो प्रतिक्रिया आएगी उससे हम लोग बच सकते हैं। जी दीदी जी भैया, मुझे ये लगा तो कि मैं प्रतिक्रिया ही कर रही हूँ और ये जी सारी चीजें मुझे दिख रही थी, जो जी स्वभाव मेरा, तो ये मैं दूसरे की जो भी कार्य करने की क्षमता है या कार्य करने का तरीका है उससे प्रभावित हो रही हूँ मैं, तो ये सब मुझे दिख रहा था मतलब। लेकिन फिर भी वही जो असहजता मैं बता रही हूँ कि वो दूसरे दिन सुबह तक एक्सटेंडेड थी, और इवन जैसे होता है कि रात में भी उठने के सो के उठने के बाद जो एक होता है हम असहज रहते हैं किसी चीज से, वो सब अंदर था। तो वही मतलब मैं उसको देखना चाह रही थी लेकिन मैं देख नहीं पा रही थी, मुझे ये लग रहा था कि कुछ चल ही नहीं रहा है। और अब वो और कितने डीप वो संस्कार हैं, वो वही है कि जो ये मैंने निर्णय ले लिया ना अपने आप को शांत करने का कि ठीक है मैं ही कर देती हूँ, मुझे लग रहा है कि जी वहां उसे भी मुझे नहीं करना था। अब वो देखना था कि कितने दिन तक मैं ये असहज हूं, फिर शायद वो मुझे दिखता। तो क्या मुझे ठीक लग रहा है भैया? जी सही बात है। तो ये जो बहुत जल्दी हमने अपने को विड्रॉल कर लिया है ना, तो ये एक स्टेप हो गया है। लेकिन आप जो दूसरी बात बोल रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हो गया था, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ रिएक्शन हो गया है, प्रतिक्रिया हो गई है, अब इसको देखते हैं। इस पे अगर हम लोग और काम करते तो धीरे धीरे क्या है, जब देखना शुरू करेंगे ना तो कई बार तो जो ये अन्यथा प्रतिक्रिया हुई है ये धीरे धीरे सेटल डाउन होती है। केवल देखने भर से अगर हम देखना भी चालू कर दें तो इसकी एक इंटेंसिटी होती है, उस इंटेंसिटी से फ्लो बनता है, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी होने लगती है, लेकिन उससे पूरा रिजॉल्व नहीं होता, उसका अंश बना रहता है, इसीलिए हमको फिर स्टेप 2 3 4 आगे करना पड़ता है। लेकिन अभी वो देखने वाले काम को हम बाधित कर देते हैं। तो जी अगर ये जो बिल्कुल, बात में आपने बात की है बिल्कुल ठीक की है, तो हो गया है उस पर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कार तो बहुत गहरे हैं। तो कम से कम उपलब्धि वाली बात यह है कि हो गया है, हम उसको रिकग्नाइज कर पा रहे हैं, मेरे में प्रतिक्रिया चली है, हम इसको देख पा रहे हैं, ये भी एक उपलब्धि वाली बात है, और इसको पूरा देखने का पोटेंशियल है मेरे में, ये भी आप देख पा रहे हैं, ये भी एक उपलब्धि वाली बात है। ध्यान रखेंगे और निर्णय बनाए रखेंगे तो अगली बार जब चीजें होंगी तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, ऐसा मुझे लगता है। जी जी भैया, थैंक यू भैया। हो ही रहा था कि मैं जी 2 3 दिन पहले ही इंसिडेंट हुआ था और मैं प्रश्न पूछना चाह रही थी, फिर मैंने सोचा नहीं पूछूं, लेकिन ये जब जब आपकी तरफ से बात आ रही थी कि प्रतिक्रिया किए बिना देखना है, तो
मेरा प्रश्न फिर से सामने आ जा रहा था। ठीक है, बहुत धन्यवाद जी भैया, थैंक यू, नमस्ते। यस। तो नमस्ते भैया। बस मैं आज नमस्ते का पूरा सेशन सुन के, मतलब मैं पिछले सत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये समझ पाया जी। कि मुझे मेरे संबंधों में मुझे दिख रहा है कि सुख मुझे संबंधों से मिलने वाला है। लेकिन अभी पहले तो मैं खुद को ही नहीं समझाऊँ, मैं खुद के भाव को ही नहीं समझाऊँ, इसलिए मैं लोगों के भाव को नहीं समझ पा रहा हूँ और इसीलिए मेरे संबंध इतने अच्छे नहीं है, तो ये देख पाया। और अभी ये दो सत्र में जुड़ने से, मतलब पहले सत्र में तो इतना क्लियर नहीं होता था, विचार वो को ही मैं भाव समझ लेता था, लेकिन उसका आधार क्या है, जब वो जी पकड़ने गया मेरा विरोध का भाव है या क्या भाव है, तो थोड़ा पकड़ पाया। तो अभी इससे कुछ लग रहा है क्या, ना ही मैं खुद के भी भाव अभी थोड़ा थोड़ा पकड़ पाऊंगा और मेरे संबंध अच्छे हो सकते हैं। तो बस इतना मैं समाप्त करना चाहूंगा भैया। जी जी सही बात है। देखिए क्या है, हम सबको संबंध तो मिले हुए हैं, संबंध के साथ ही है ना, और संबंध को भी देखेंगे पूरी प्रकृति अस्तित्व, हर मनुष्य के साथ, हर यूनिट के साथ, हर इकाई के साथ हमारा संबंध बने हुआ है। उसमें इशू इतना ही हो जाता है कि हमारे अपने संस्कारों के कारण है ना, हम उसको जैसा संबंध है वैसा देख नहीं पाते हैं। तो जैसा संबंध है वैसा देख नहीं पाते हैं, तो फिर बहुत सारा अन्यथा लोगों से हम एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। तो अगर जैसा संबंध है वैसा हमको देख जाए, दिख जाए, इतनी अगर हम योग्यता बढ़ा लें, तो हम अपने में सुखी होते हुए परस्परता में जो लोग हैं उनके सुख के लिए भी हम कुछ कार्यक्रम बना सकते हैं। ठीक ठीक ना, तो अभी संबंध मिला हुआ है, संबंध बना ही हुआ है पहले से ही, हम सब आपस में रिलेटेड हैं, उसको हम एज इट इज देख नहीं पाते। और अगर ये प्रश्न पूछा जाए क्यों नहीं देख पाते, तो मेरे लिए तो उत्तर यही निकलता है कि मेरे अपने जो संस्कार हैं है ना, वो हमको अन्यथा परसेप्शन बना देते हैं। तो उन संस्कारों के चलते मैं अपने में सुखी होकर परस्परता में इंट्रेक्शन करूंगा, इसकी बजाय हम यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, उससे कुछ मिल जाएगा, फिर मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, ये वाला रूप ले लेते हैं। जैसा आपने कहा कि अब आपका ध्यान जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और जैसे जैसे ध्यान जाएगा तो हम बाहर वालों से, बाहर वाले मतलब जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनके लिए हम ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, उनके लिए ज़्यादा बेहतर वातावरण भी बना सकते ना? जी भैया यस भैया, बहुत ही अच्छी बात आपने की। ठीक है। तो मेरे ख्याल से जी यस, तो पकड़ना मुझे मुझे कोई था, मतलब मैं मेरे खुद के भाव को ही नहीं पकड़ पा रहा था, इससे लोगों के भाव को भी नहीं पकड़ पा रहा था। तो मुझे करना अपने में ध्यान देना है, सजग रहना है, और जितना मैं खुद सजग हो पाऊंगा तो लोगों की सजगता को देख पाऊंगा। यस, शुक्रिया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जितना जितना अपने को गहराई से देख पाएंगे, उतनी गहराई से दूसरे को भी देख पाएंगे। अभी समय के साथ हम लोग यहीं पर रोकते हैं, और इस होमवर्क के साथ रोकते हैं कि कल जब आएंगे तो फिर से हम लोग इस प्रक्रिया में जो बार बार बात की जा रही है कि देखना है ना, और देखना उसको अलाउ होने देना, इसको हम कितना कर पाते हैं बिना इंटरप्ट किए, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना रोके। तो इस पर हम लोग और अभ्यास के साथ कल मिलेंगे, और हमें लगता है कल जब हम मिलेंगे तो आज से ज़्यादा बेटर हम लोग है ना अपने में अभ्यास कर पा रहे होंगे। मैं भी कर पा रहा हूँ, आप भी कर पा रहे हैं। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।